Can I enter inside? But I am not a Muslim. You can ask the administrator first. पता नहीं वो दिन कब आएंगे जब मतलब मास्क उतार के जैसे पहले फ्रीडम से घूमते थे बिना मास्क के, तो वो दिन पता नहीं कब आएंगे। चलो कोई बात नहीं। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उपी गरेवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी के लिए घर से मैं निकल आया हूँ और कई दिनों से ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन रहे हैं क्योंकि थोड़ा मूड अपसेट चल रहा है। तो आज मुझे जाना पड़ रहा है UN में किसी काम से, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग आज बनाते हैं। तो घर से वैसे मैं निकल आया हूँ तो वही सेम रूट है, बस चेंज करने वाला सिस्टम है। जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मतलब वो बस वगैरह चेंज करना, तो जो भी है जैसा भी है करना तो पड़ेगा। तो है तो बहुत इजी, लेकिन जो चेंज करने का प्रोसेस है वही थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि पहले सारा कोई डायरेक्ट था। तो काफ़ी आगे मैं आ गया हूँ, ठीक है, बस वगैरह चेंज करूँगा, वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा वहाँ पर, तो सीधा UN में पहुंच के ही मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो रिजल पार्क जो है वो अभी तक बंद है। मैंने सोचा था कि ये खुल गई होगी, यहाँ पे एक म्यूजियम है, यहाँ पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ, तो वहाँ पे भी चलूँगा, तो लगता है कि वहाँ पे जाना मुश्किल है। चलो, मेरा तो मैं किसी से के साथ छोटी सी मीटिंग है, किसी के साथ मिलना है, थोड़ा सा बातचीत करनी है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। तो अभी जिसको मिलना है मैं उस साइड में जाऊँगा और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। तो यहाँ पे जाने का प्लान तो कैंसिल है क्योंकि ये बंद है, दो ही दरवाजे हैं इधर से उधर से, दोनों ही बंद हैं अभी। हाँ, तो चलो फाइनली अपना एक काम हो गया कंप्लीट। और अगर अभी UN में आए हो तो गुरुद्वारा साहब नहीं गए तो क्या फ़ायदा। तो UN में तो मैं आया ही हूँ, तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहब, क्योंकि यहाँ पे आए हो तो गुरुद्वारा साहब तो जाना ही चाहिए। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, मत्था टेकूँगा और उसके बाद फिर रवाना होऊंगा वापस, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी काम है, अगर UN में आते हो तो गुरुद्वारा साहब जाना ही जाना है, ठीक है ना, जाना चाहिए। तो चलते हैं वहाँ पे। तो बस अभी मैं नज़दीक ही हूँ, वैसे इतना कुछ खास दूर नहीं हूँ, तो पहुँच के बात करते हैं। UN बाकी एक बात है, काफ़ी अच्छा एरिया है, क्लीन एरिया है। हाँ, तो मैंने सोचा था कि अभी गुरुद्वारा साहब होके ही घर जाऊंगा, तो गुरुद्वारा साहब मैं जाके वापस आ गया हूँ वैसे, और रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में वो थोड़ी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं कब से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हो रही हैं। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी चल रही हैं, तो देखते हैं कब ख़त्म होती हैं। उसी वजह से मूड भी थोड़ा अपसेट रहता है, तो रेगुलर ब्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ। तो देखते हैं बाकी क्या होता है ज़िंदगी में। एक बात है,
इंट्रामोरस और यूएन में म्यूजियम टाइप बड़े मतलब बने हुए हैं, लेकिन अभी के लिए बंद है, लेकिन यहाँ पे आपको म्यूजियम टाइप बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंट्रामोरस और यूएन में। तो एक मैं वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन रिजल पार्क में जो म्यूजियम है, लेकिन वो अभी के लिए बंद है। तो मैंने उनसे पूछा कि कब तक ये पार्क खुलेगा, मतलब जैसे पहले लोग घूमते फिरते थे कब तक खुलेगा, बोलता कोई आइडिया नहीं है मुझे, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। तो मैं बोला तेरे को आइडिया नहीं है तो फिर हम जैसे को कैसे पता चलेगा। तो बस ये सारा कुछ चल रहा है अभी, पार्क वगैरह म्यूजियम सारा कुछ अभी बंद है। हाँ तो ये बड़ी अच्छी जगह बनाई है इन्होंने। तो घर से मैं सोच के आया था, मुझे किसी ने यहाँ पे बुलाया था, कुछ बातें करनी थी किसी ने, तो मैं यहाँ पे आया घर से। मैंने प्लान बनाया कि चलो उस बंदे से भी मिल लूँगा जिसे बात करनी है, उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो रिजल पार्क वाला म्यूज़ियम है वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे अभी तक मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इंट्रामोरस में भी एक म्यूज़ियम है जो काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था, तो वहाँ पर भी मैं गया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो आज वहाँ पर जाऊँगा, एक अच्छी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पर आया, दोनों म्यूज़ियम बंद है। तो वो जो सोच के आया था ना वैसा हुआ नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, ज़िंदगी है, बहुत कुछ हो जाता है। घर से निकला था तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त धूप निकली है ना, तो छाते का इस्तेमाल फिर से करना पड़ा धूप से बचने के लिए। वैसे तो बारिश से बचने के लिए है इसका इस्तेमाल, लेकिन धूप बहुत कड़क है। हाँ तो किसी भी साइड में चले जाओ, क्रिसमस की फुल तैयारियाँ चल रही हैं, कलर वालर चल रहे हैं यहाँ पे, और लाइटें वगैरह वो ट्री वगैरह, कहीं पे भी चले जाओ, मतलब ये एक अच्छा मतलब जो माहौल है ना, जैसे हमारे इंडिया में दिवाली में एक माहौल होता है अच्छा, तो वैसा यहाँ पे क्रिसमस में एक अच्छा माहौल होता है, अच्छा लगता है मतलब। अभी के लिए मैं हूँ मनीला गोल्डन मस्जिद के बाहर। तो मुझे पता नहीं कि जो मुस्लिम नहीं है वो अंदर एंटर हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पे जाना, तो मुझे ये मैंने आज तक कभी भी मैं मतलब जो मस्जिद है उसके अंदर कभी भी नहीं गया हूँ, क्योंकि जॉर्डन में कहा जाता था कि अदर रिलीजन वाला अंदर एंटर नहीं हो सकता वहाँ पर, तो यहाँ का मुझे नहीं पता, तो पूछ लेते हैं, अगर जाने देंगे ठीक है, नहीं जाने देंगे तो वापस तो चले जाएँगे। Can I enter here? But I am not a Muslim, it's okay. No problem. तो अभी के लिए मैं हूँ अंदर मस्जिद के, और इसे कहा जाता है गोल्ड मस्जिद, ठीक है। Can I enter here? What? Can I enter inside? But I am not a Muslim. You can ask the administrator first. Here. तो वो बोल रहे हैं कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा फिर आप एंटर हो सकते हो अंदर। मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है यहाँ का।
Tao po. तो यार ये मुझे कुछ पूछने को कह रहे हैं किसी से जाके, लेकिन ये सारे दरवाजे जो है बंद है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस, तो मैं एंटर नहीं हो पाया अंदर। ओके बट दिस है, आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम वन फॉर एंटर इनसाइड इंडिया 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 इंडिया। ओके थैंक यू। तो बिकॉज ऑफ कोरोना शायद होगा उनका कुछ प्रोसीजर, लेकिन अच्छा है, अंदर व्यू काफ़ी अच्छा है। और इसे कहा जाता है मनीला गोल्डन मस्जिद मस्क्यू। तो मैंने यार कोशिश तो की अंदर जाने की, लेकिन जा भी सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो कह रहे किसी और को पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो दरवाजे बंद थे वहाँ के, तो फिर मैं बाहर आ गया। तो लेकिन अच्छा है, लोग काफ़ी अंदर बैठे हैं। अभी के लिए मैं आ गया हूँ बाहर, और मुझे लगी है भूख, तो मुझे खाना खाना है पहले। तो ये लिया मैंने पीने के लिए, बाकी यहाँ पे भी काफी क्राउड है। तो ये स्ट्रीट फूड।